here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work? Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Shruti and welcome to Shruti Makeover. So guys, कैसे हैं आप सब? सो गाइज़, आज मैं आप सभी के लिए गई हूँ महाराष्ट्र ब्राइडल मेकअप लुक. सो गाइज़, ये वाला लुक आप पार्टी मेकअप की तरह भी अचीव कर सकते हो. यानी कि अगर आप कोई ब्राइड है, जैसे कि आप किसी अभी नई शादी हुई है आपकी और आप किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हो, आप इस तरह की साड़ी को वेयर कर सकते हो. मैंने साड़ी भी इनको दो तरह से वेयर करवाया था. एक तो मुझे मराठी लुक का साड़ी वेयर करवाना था, एक मैंने सिंपल जो हम लोग वेयर करते, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट लोगों को भी पार्लर में सिखा रही थी, तो मैंने उनको दो तरह से साड़ी वेयर करना बताया. इस वजह से दो तरह से मैंने इनको वेयर किया था, बट मैंने वीडियो में एक ही शो किया है. सो बहुत अच्छा वाला लुक है. आप ये ब्राइडल लुक को भी दे सकते हो, इवन नॉर्मल ब्राइडल में भी दे सकते हो. सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले मैंने इनका क्लींजिंग कर दिया है ऑलरेडी, उसके बाद मैं डायरेक्टली टोनर यूज़ कर रही हूँ. टोनर के लिए मैं गुड वाइब्स की रोज़ ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा वाला टोनर है गाइस, आप डेफिनेटली ट्राई करो. नेक्स्ट मैं क्रेलॉन की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, डर्मा कलर पैलेट ना समर सीज़न के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये पूरा मैट होता है. मैंने सबसे लाइट शेड को यूज़ किया, D4 शेड को, नंबर मैं आप लोगों को बता रही हूँ. सो ये बहुत ज़्यादा ही मैट है एंड बहुत अच्छी कवरेज भी, बस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट मेबेलिन फिट मी के कॉम्पैक्ट से मैं सेट कर रही हूँ कंसीलर को, ताकि ये क्रीज ना करे. वैसे तो ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है, बट आपको शेड ज़रूर करना है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट. ये वाला पैलेट ना मैंने एक या डेढ़ या दो साल बोल सकते हो गया है लिए हुए, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. मैंने पिंक वाले शेड को पिक किया. आज मैंने सोचा मैं ये वाला पैलेट को यूज़ करती हूँ. बहुत दिनों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया. जब स्टार्टिंग में मैंने पार्लर खोला था तभी मैं इसको यूज़ कर रही थी. सो ब्लेंडिंग ब्रश कोई सा भी ले लीजिएगा. आई थिंक ये ब्रश नंबर 6 है, बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है. उसकी मदद से मैं क्रीज पे कलर को दे रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ. इनकी आईज़ अच्छी खासी बड़ी है, सो बड़ी आईज़ पे ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता आई मेकअप करते वक्त. बस आपको क्या करना है, कोई भी मैट कलर ले लेना है. मैंने पिंक इस वजह से चूज़ किया क्योंकि साड़ी जो इन्होंने वेयर किया है वो भी पिंक कलर की है इस वजह से. और बहुत अच्छी तरह से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ. मैंने आज वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है, ये मेरी फास्ट हैंड की मूवमेंट है जो आप देख रहे हो. नेक्स्ट आप कोई भी क्लीन ब्रश ले लीजिएगा, ये बड़ा सा क्लीन ब्रश है, सारे एजेस को ब्लेंड कर दीजिएगा. नेक्स्ट मैं पर्पल शेड को पिक कर रही हूँ ब्रश नंबर 10 की मदद से. सो आप में से बहुत लोगों से पूछते हो मैम आप ब्रशेस कौन से यूज़ करते हो. मैं पैक की ही ब्रशेस यूज़ करती हूँ आइस पे, क्योंकि बहुत अच्छी मुझे लगती है. आई स्क्वायर किट आप भी ले सकते हो, आपको नायका पे मिल जाएगी. सो बहुत अच्छी तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी है एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज. एंड लास्ट में फिर से आपको क्लीन ब्रश लेना है और सारा कुछ को ब्लेंड कर देना है. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की पैलेट से ब्राउन वाले शेड को. उस पैलेट में कोई भी मैट कलर नहीं थे ब्राउन, सो मैंने दूसरा पैलेट का यूज़ किया. आप अफोर्डेबल में मेकअप रिवोल्यूशन की दूसरी पैलेट ले सकते हो. एग्जैक्टली मैंने इसको क्रीज पे दिया एंड ब्लेंड कर रही हूँ. उसके बाद मैं फिर से D4 शेड को ले रही हूँ एंड मैं कर रही हूँ फुल कट क्रीज. आप इसे प्रॉपर फुल कट क्रीज तो नहीं बोलोगे, बट हाफ कट क्रीज भी ये नहीं है. सो आप देख सकते हो स्लोली स्लोली आपको ज्वाइन करना है गाइज. अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है, मतलब ये वाले कंसीलर से ना थोड़ा टफ होता है कट क्रीज करना क्योंकि मैट रहता है, तो आप लिक्विड कंसीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो. मैंने थोड़ा सा एले गर्ल का यूज़ कर लिया था. स्लोली स्लोली आपको करना इस तरह से, आपको क्रीज ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा. अगर आपको नहीं पता है किस तरह से हम हाफ कट क्रीज या फुल कट क्रीज करते हैं, आप मेरी बिगिनर सीरीज़ की वीडियो को चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट मैं फिर से पेंसिल ब्रश की मदद से पिंक कलर को मैंने लिया है एंड मैं आउटर कॉर्नर पे दे रही हूँ, क्योंकि हाफ लाइन नज़र आ रही है. हाफ लाइन का मतलब होता है जब आप कंसीलर लगाते हो और आई शेडो आप देखते हो, दोनों के बीच आपको लाइन नज़र आती है, वो नहीं दिखनी चाहिए, उसको हम ब्लेंड करेंगे. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पैक की 203 नंबर ब्रश. मैंने डार्क रेड कलर को पिक किया है और आउटर कॉर्नर पे इस तरह से दे रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे से ब्लेंड नज़र आए. मैंने कॉम्पैक्ट की मदद से सेट कर दिया है कंसीलर को. नेक्स्ट मैं इन दोनों पिंक शेड को पिक कर रही हूँ सेम रिजोल्यूशन की पैलेट से एंड मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ द आईलिड पे अप्लाई करूँगी. मैंने बस इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा पार्ट्स छोड़ दिया था. आजकल ना बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है इनर कॉर्नर के पास अगर आप थोड़ा सा कंसीलर लगा के छोड़ देते. आजकल ये वाला आई मेकअप बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है गाइस, तो आप भी जरूर ट्राई करें. नेक्स्ट इन 4 शेड को मैंने पिक किया है ब्लैक ब्राउन
रेड कलर, और मैं हल्का डिफ्यूज़ कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे, मुझे हल्का ब्लैक कलर देना था इस वजह से। सो हुडा ब्यूटी की ही रेप्लिका आप मेकअप रिल्यूशन ले लेना, मेकअप रिल्यूशन अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। नेक्स्ट में मैं फिर से ले रही हूँ दूसरा ब्रश एंड सारे इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर ग्लू प्राइमर, पैक की है ये, मैंने नेम दे दिया आपको। नेक्स्ट में ब्यूटी ग्लेस की पैलेट से ये वाला ग्लिटर शेड ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा वाला पैलेट है गाइस। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज किया था 500 रुपीज़ में, एंड इनके ग्लिटर बहुत अच्छे हैं, बट ना अगर आप विदाउट ग्लू स्टिक करोगे तो नहीं स्टिक होते हैं, फैल जाता है, तो मैंने इसलिए ग्लिटर प्राइमर का यूज़ कर लिया था। बस मैंने सेंटर पे ही इसको अप्लाई किया और कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बेला वोस्टे की लाइनर, वाइट लाइनर, और जहाँ मैंने जहाँ इनका क्रीज है ना वहाँ पर एग्जैक्ट दे रही हूँ। आजकल ना क्रीज पे वाइट लाइनर बहुत चले हुए हैं, प्लस आप ग्लिटर भी दे सकते थे, कोई लिक्विड लाइनर भी दे सकते थे, बट मैंने वाइट दिया। नेक्स्ट मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से मैं विंग निकाल रही हूँ, इसको मैं टर्न कर रही हूँ, इसे हम बटरफ्लाई विंग लाइनर बोलते हैं, एंड इस तरह से नीचे की ओर ला रही हूँ डाउनवर्ड। सो ये वाला लाइनर भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आज मैंने आपको पूरी आई मेकअप डिफरेंट ही बताई है, सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाला आई मेकअप। सो धीरे धीरे फिर आपको लाइनर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ मैं मेबलिन की जेल लाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जेल लाइनर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंड आप ब्राइडल को जेल लाइनर ही दोगे तो ज़्यादा सही रहता है, और ये ड्राई भी जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट सारे फॉलोअर को क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल हो रहा है, ये गुड वाइब्स की फेशियल ऑयल है। सो फेशियल ऑयल जब तक ये अप्लाई कर रही थी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने जो ब्लैक लाइनर ड्रॉ किया उसको मैं हल्का स्मज कर देती हूँ, तो मैंने हल्का ब्लैक शेड ले लिया और इस तरह से स्मज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वो वाला लाइनर, तो मैंने हल्का फिनिशिंग के लिए क्या कि स्मज कर दिया। अगर आपको वैसे पसंद आया तो आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर। हम प्राइमर से पहले ही यूज़ करते हैं इल्यूमिनेटर का, आप में से बहुत लोग ना प्राइमर के बाद भी यूज़ करते हो, बट मैं तो प्राइमर से पहले यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट प्राइमर के लिए कलर बार की प्राइमर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कलर बार की परफेक्ट मैच प्राइमर, ये बहुत अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड समर के लिए परफेक्ट है। सो आपको टी जोन पे फोकस करते हुए अप्लाई करना है। सो प्राइमर को अप्लाई करने के 5 मिनट्स के बाद आपको यूज़ करना है कंसीलर। फिर से मैं D5 शेड को ले रही हूँ इस पैलेट में से, जो कि इनके कलर कम्प्लेक्शन से 2 शेड या 3 शेड डार्क है। सो गाइज मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई फेयर क्लाइंट आता है फेयर स्किन टोन का, जैसे कि इनकी कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, सो आप ना ऑरेंज के बदला क्या करो, स्किन टोन से 1 से 2 शेड डार्क कंसीलर या फिर फाउंडेशन दे दो, कंसीलर दोगे ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ करूँगी मेबलिन सुपर स्टे की फाउंडेशन, एक का सेड है मेरे पास 310 एंड एक का सेड है 115। सो पहले इसको अच्छे से ब्लेंड मेरी स्टूडेंट ने कर दिया, ये मेरी स्टूडेंट है, मेरे साथ पार्लर में रहती है, आपने 2 गर्ल्स को हमेशा देखा होगा तो इस वजह से। सो ये अच्छे से अप्लाई कर रही है, यहाँ पे फाउंडेशन प्लेट में आप निकाल लेना, दोनों शेड को मिक्स कर लेना। बहुत सारी वीडियो में आपको मैंने बताया है किस तरह से मैं दोनों शेड को मिक्स करती हूँ, मैं 2 पंप लेती हूँ, लाइट शेड का मैंने 2 या 3 पंप लिया था और 1 शेड मैंने बस मिक्स किया था डार्क वाले शेड को, क्योंकि इनकी कलर कम्प्लेक्शन फेयर है इस वजह से। बट आप फेयर स्किन टोन पे जब भी मेकअप करते हो ना, तो आपको उजला नहीं बनाना है क्लाइंट को, आप ना हर चीज़ येलो अंडरटोन में देना या फिर पिंक अंडरटोन में देना। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल की HD कंसीलर इन दी शेड नेचुरल, बहुत अच्छा वाला कंसीलर है ये भी गाइस, आप डेफिनेटली ट्राई करो। अगर आपको लिक्विड कंसीलर ढूंढ रहे हो ना अफोर्डेबल साइट में, आप एले गर्ल की ट्राई कर सकते हो, एंड ये मेकअप पूरा का पूरा वाटरप्रूफ है, समर के लिए परफेक्ट है। ये फाउंडेशन पर्सनली आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी कर रही हूँ, तो हो सकता है इस वजह से, बहुत अच्छे से मेकअप को लॉक रखता है गाइस, ट्रस्ट मी, आपका मेकअप ना 15 to 16 आवर तो कहीं भी नहीं जाएगा। इस मेकअप को आप डेफिनेटली अपने ब्राइडल पे दो, आपके ब्राइडल को ज़रूर पसंद आएगा। आप ये इंडियन ब्राइडल में भी दे सकते हो, किसी भी ब्राइडल में दे सकते हो, ये यूनिवर्सल लुक है, ये आई मेकअप भी हर एक लुक के साथ चला जाएगा। सो अच्छे से आपको सारा कुछ को ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्टोरिंग। मैं यूज़ करी मेकअप लोशन की कॉन्टोर स्टिक, मतलब ये फाउंडेशन स्टिक है, बट मैं इसको एज ए कॉन्टोर स्टिक यूज़ करी हूँ।
इसका सेड है F13, आप थोड़ा सा डार्क सेड ही देना। मैं थोड़ा सा हार्स कॉन्ट्रोलिंग अस कर रही हूँ क्योंकि इनके फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो मुझे पतली दिखानी थी। इनकी नोज़ भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो मोटी है। एंड मैं जिन पे आपको मेकअप बता रही हूँ, ये मेरी मॉडल है वीडियो के लिए, एंड ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मतलब आप समझो बचपन से मैंने इनके साथ मैंने पढ़ाई की है। सो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड भी है। बस मैंने इनको बोला था कि मुझे वीडियो बनाना है, तो इन्होंने हाँ बोला, एंड मैंने आपसे शेयर भी कर लिया वीडियो। क्लाइंट भी बहुत सारे मैंने बुक किए अप्रैल के, अगर मुझे क्लाइंट अलाउ करेंगे तो मैं रियल ब्राइडल पर भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। सो बट फिर भी अगर क्लाइंट जैसे अलाउ नहीं करते, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉडल को बुलाऊँ एंड आपसे वीडियो शेयर करूँ। तो मेरे एफर्ट के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपने इतनी दूर देख लिया है। सो कॉन्टोरिंग बहुत आराम से करना है क्योंकि डार्क प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था। अपवर्ड आपको ब्लेंड करना है। जब आप चिक्स पे करते हो, नोज़ पे भी ध्यान से करना है, फोरहेड पे भी ध्यान से करना है। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा कॉन्टोरिंग, आई नो कि क्रीम कॉन्टोर थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट मुझे जैसे प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि किस तरह से मुझे बैलेंस करना है, तो मैं कर लेती हूँ। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो ये वाले पार्ट को। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेशन की बनाना पाउडर, इसको मैं छोड़ रही हूँ बेकिंग के लिए। आप कोई सा भी बनाना पाउडर ले सकते हो, इवन आप मेबलिन की लूज पाउडर भी ले सकते हो, बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट तब तक हम क्या करेंगे, कॉन्टोरिंग को सेट कर लेंगे। कॉन्टोरिंग को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है फेसेस की पैलेट, मैं ही यूज़ कर रही हूँ। आप में से बहुत लोगों को तो पता चल जाता होगा कब मेरी स्टूडेंट ब्लेंड करती, कब मैं करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं सिखाती भी हूँ, तो वो लोग भी पार्लर में रहती है, कभी उनको बोलती हूँ कि आप भी प्रैक्टिस कर लो। सो आप मेरी अदर वीडियोस को भी चेक कर सकती हो अगर आप पहली बार आए होंगे। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स की वीडियो सिखाती हूँ। नेक्स्ट मैं लोअर लेस लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। ब्लश भी मैंने सेम उसी पैलेट का यूज़ किया था, एंड लोअर लेस लाइन पे सेम मैंने जो कलर क्रीज पे दिया था ना, वही कलर को यूज़ कर रही हूँ। एग्जैक्ट जो कलर हम क्रीज पे देते उसी को हम लोअर लेस लाइन पे देते। इवन मैंने ब्लैक शेड को भी यूज़ किया था। काजल के लिए मैं या लैक्मे की काजल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी काजल का यूज़ कर सकते हो। एंड ब्लैक से ले लीजिएगा, मैंने हुडा की पैलेट से लिया, एंड स्मश कर दीजिएगा हल्का काजल को, इससे आपका काजल फैलता नहीं है। नेक्स्ट मस्करा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की हाइपर कर्ल मस्करा। बहुत अच्छी मस्करा है गाइज, मेबलिन की मस्करा पे तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें अगर आप कोई अच्छा मस्करा ढूंढ रहे हो। डन 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 हमारा। अब उसके बाद आप बनाना पाउडर अपने जो भी रखा था आप उसको हटा दीजिए। इससे एक फ़ायदा होता है बेकिंग से, आप जो भी आई मेकअप करते हो कंप्लीट लास्ट में, तो कोई भी फॉलोअप फेस पे नहीं आता है। ब्राउज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ पेंसिल इन दी शेड मीडियम ब्राउन। सो गाइज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। एंड मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, कोई भी मैंने चीप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। मैं रियल क्लाइंट भी यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं मिलानी की सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ मेकअप को सेट एंड लॉक करने के लिए। लास्ट में मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। मैं ना फिक्सर पहले यूज़ करती हूँ, देन मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। फेसिस की पैलेट से मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये पैलेट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपने मेरी लगभग सारी वीडियो में देखा होगा। आपके पास कम प्रोडक्ट ही है बट अच्छे रहे हैं तो आप बहुत दिन तक वर्क कर सकते हो। मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, बिगनर्स आप हैं ना, तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ ना खरीदें, धीरे धीरे आप ट्राई करें प्रोडक्ट को एंड देन परचेज करें। आप रिव्यू देख सकते हो यूट्यूब वीडियोस पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तभी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करो। एंड ये मेकअप ना ऑयली स्किन वालों के लिए तो सबसे बेस्ट होगा क्योंकि जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए सारे मैट हैं। लिपस्टिक के लिए मैं तो भूल ही गई कि मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया था स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, इसका सेट था ZF Gold 4। हाइलाइटर इनर कॉर्नर और ब्राउन पे लगा रही हूँ, एंड मैं आईलेस ग्लू यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं लाइनर ड्रॉ करती हूँ, पैक की मैंने यूज़ की है। लास्ट में मैंने लैसेस को आज स्टक किया है। बस फाइनल कंप्लीट रिजल्ट यही है। हेयर स्टाइल मेरी स्टूडेंट लोग ने बनाया है, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं बिजी थी पार्लर में, इस वजह से थोड़ा रश हो गया था पार्लर में। एंड साड़ी पहले सिंपल मैंने वेयर करा दिया था इनको, जैसे मैंने दो तरह से ये लुक आपको दिखाया, एक तो आप पार्टी लुक की तरह कर सकते हो, बहुत ही ट्रेडिशनल लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। एंड ये साड़ी मीशो की है, मैंने अपनी मम्मी के लिए परचेस किया ये साड़ी। सो बहुत अच्छा साड़ी है ये वाला, आई थिंक 600 रुपीज़ में मैंने परचेस किया मीशो से। सो डेफिनेटली अगर आप ये साड़ी लेना चाहते हो तो आप मीशो ऐप को ट्राई कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर मैंने कर रही हूँ बट अच्छा मुझे ये साड़ी लगा इस वजह से।
सो डेफिनेटली आप इस लुक को ट्राई करें। एंड पहले तो मैंने नॉर्मल साड़ी वेयर करवा दिया क्योंकि महाराष्ट्र में ब्राइडल मेकअप डिफरेंट तरह से साड़ी वेयर करते हैं, मुझे वो भी आता है। मैं कभी ना कभी आपसे जो शेयर करूँगी किस तरह से वो साड़ी वेयर करते हैं, मैंने बाद में अपनी स्टूडेंट लोगों को सिखाने के लिए दो मेथड से बता दिया था। एंड मैं एक चीज़ भूल गई थी, उसके लिए सॉरी, मैंने बिंदी अप्लाई नहीं किया था जो आप लोग अप्लाई करते हो अगर आप महाराष्ट्र हैं, सॉरी उसके लिए। बस मैंने थंबनेल में फोटोशॉप करके अप्लाई कर दिया है, मैं भूल गई थी काम की वजह से। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग से मैं, बाय बाय, टेक केयर।